इंशाल्लाह आप भी खुशहाल होंगे। तो देखिए गाइस, मैं आज आपके लिए ना इतना बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आई हूँ ना अपनी इस वीडियो में, और मेरी इस वीडियो के साथ ना आप लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप करके मत देखिएगा इस वीडियो को, नहीं तो आप जो है इस वीडियो का कुछ पार्ट जो है इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर जाएंगे। तो आपको मेरी इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ ना वो है ग्रीन टी। और देखिए इस प्रोडक्ट को ना मैं भी काफ़ी जो है दिन से यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं अपने ऊपर इसको जो है यूज़ करके देख रही थी, तो मैंने सोचा पहले अपना को यूज़ कर लेना चाहिए, अगर फ़ायदा हो रहा है तो बेनिफिट हो रहा है तो हम आगे इसको आगे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो अब मैंने यूज़ किया तो मुझे काफ़ी जो है यूज़फुल लगी है। और देखिए काफ़ी जो लेडीज़ है ना इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, और आजकल ना फैट इतना बढ़ रहा है ना लेडीज़ में, और तो देखिए काफ़ी परेशान है लेडीज़ मोटापे से। तो उसी से रिलेटेड मेरी आज की वीडियो होने वाली है। और देखिए जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ ना, ये है लिफॉर्ड ग्रीन टी, और इसका जो फ्लेवर मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन और हनी का है, और लेमन भी हमारे जो फैट को कम करता है और हनी भी हमारे फैट को लॉस करता है। तो देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तो जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे इससे, इस प्रोडक्ट से इतना यूज़फुल है ना बहुत ही ज़्यादा। और देखिए इसको यूज़ करने से ना जो हमारे जो फेस पे ग्लो आती है, फेस इतना ग्लोइंग करता है ना बहुत ही, और जो है हमारे फैट को जो है फैट लॉस करता है और हमारी बॉडी को जो है मेंटेन करता है। हमारे जो है इसकी जो बेनिफिट है ना, तो ये देखिए इतने है ना हमारे जो स्टमक को ना एकदम जो है परफेक्ट करता है, और जो बॉडी शेप में लाता है हमारी, और बॉडी इतनी हल्की फुल्की सी हो जाती है ना मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो इसलिए जो मैंने महसूस किया है इसको यूज़ करने के बाद वही मैं आपको बता रही हूँ। तो काफ़ी मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल लगी है मुझे ये ग्रीन टी, इतनी बेस्ट है ना बहुत ही, और रिजल्ट इतने बेस्ट हैं इसकी बहुत ज़्यादा। तो देखिए और इसको जो है यूज़ करने का जो तरीका है सही वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसको यूज़ जो आप करेंगे ना ब्रेकफास्ट के बाद और दोपहर लंच के बाद, देखिए इसको खाली पेट नहीं लेना है बिल्कुल भी, अगर आप खाली पेट लेंगे ना तो आप जो है नुकसान में आ जाएंगे, अगर इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी बहुत हैं। तो देखिए पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह में, हमारे जो स्टमक है ना खाली नहीं होना चाहिए, स्टमक में कुछ ना कुछ अवेलेबल होना चाहिए हमारे, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको खाली पेट नहीं लेना है, खाली पेट लेने से ना हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी और जो है हमारा स्टमक का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और फ़ायदे इसके इतने हैं कि देखिए हमारे कैंसर से हमें इसको हमें बचाता है, और जो है कॉन्स्टिपेशन भी होने देता है हमारे, और स्किन इतनी ग्लोइंग करती है, और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम दूर होती है, जो मतलब काफ़ी फ़ायदे हैं इसको लेने से हमें, बहुत ही यूज़फुल है ये ग्रीन टी, और वेट लॉस करता है हमारा, ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है इससे। तो देखिए खाली पेट नहीं लेना इसको हमें, जो है ब्रेकफास्ट के बाद लेना है इसको और दोपहर लंच के बाद लेना है, और अगर हम खाली पेट लेंगे मैंने आपको बताया ना तो हमारी एसिडिटी जाएगी और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा हमारे, और पेट जो हमारा स्टमक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो एडल्ट टाइमिंग है मैंने आपको बता दी है, इसकी एडल्ट टाइमिंग वही है कि सुबह मिलेंगे आप और शाम मिलेंगे, और देखिए आप जो है डिनर में भी, डिनर के बाद भी ले सकते हैं इसको, ये भी एडल्ट टाइमिंग है हमारी। तो बस आपका जो स्टमक है खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ अवेलेबल आपके स्टमक में होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और ये सोचते हैं कि हम तो एकदम एक्टिव हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, और उठ करके खाली पेट ये अपनी ग्रीन टी ले लेते हैं, तो इससे ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ऐसे नहीं लेना है बिल्कुल भी इसको। मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि आप खाली पेट ना लें इसको, और कुछ जो है खाने के बाद ही इसको आप यूज़ करें। तो बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं इसके, मुझे काफ़ी अपनी बॉडी जो है बहुत ही एक्टिव लग रही है इससे, और इतना मतलब स्टमक भी मेरा मतलब काफ़ी जो है ठीक हो गया है, शेप में आ रहा है, और मेरा वेट लॉस भी काफ़ी हो रहा है इससे। तो
मैंने तो अभी अपनी टाइमिंग ये रखी हुई है, सुबह मैं ब्रेकफास्ट के बाद लेती हूँ और फिर दोपहर लंच के बाद ले लेती हूँ और कभी कभी मैं डिनर के बाद ही ले लेती हूँ। तो काफ़ी यूजफुल है और आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने से। और देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आपको जो है कोई भी वीडियो ग्रीन टी की और भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप मेरी इस वीडियो को देख कर ही आप जो है पूरा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है और इसको बनाने का जो तरीका ना वो भी बहुत ईजी है। और देखिए एक पैन में हमें एक कप वाटर लेना है और उसको उसमें डाल करके ना बस हमें उसको बॉईल करना है हल्के से, उसको ज़्यादा खुलाना नहीं है और फिर उसको जो है कप में डाल करके और जो आप टी बैग यूज़ कर रहे हैं ना तो उसको आप उसमें डिप डिप करिए और उसको अपने पी लीजिए। और देखिए इसमें इस तरह पाउच आते हैं, ये देखिए इसमें काफ़ी पाउच मैं यूज़ कर चुकी हूँ और देखिए इस तरह पाउच होते हैं इस तरह के। और इसमें ना आप एक पाउच निकालिए और इसमें टी बैग है और उसमें कप में अपने डिप कीजिए और उसको पी लीजिए। सिप सिप करके पीना है, एकदम नहीं गटकना है, थोड़ा सिप सिप करके पीना है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए इस तरह आपके पाउच मिलेंगे और इतनी अच्छी है ना, इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही बेस्ट लगा है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तभी मैंने सोचा चलिए आपको भी मैं इसको बता देती हूँ। काफ़ी लेडीज़ मोटापे से परेशान हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि इसमें चीनी मिला करके पी लें और फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, बट ये गलती आप कतई मत करना। चीनी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और हमें अपना जो वेट जो है कम करना है और ना कि बढ़ाना है, तो आपको ये सिंपल ही पीना है और जो है अपने पेट की चर्बी को घटते हुए अपनी आँखों से खुद देखना है आपको। और इंशाल्लाह एक ही हफ्ते में जो है आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। और हमें दिन में ना 3 बार हम इसको अपने यूज़ ला सकते हैं, 3 बार पी सकते हैं, इससे ज्यादा मत पीजिएगा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी ग्रीन टी बनाने के लिए मेरे साथ किचन में। कर दिया मैंने गैस ऑन और अब मैं इसके ऊपर रखूंगी फ्राई पैन और इसमें देखिए 1 कप मुझे पानी डालना है, ये देखिए पानी डाल देंगे इसमें। और इसको ना पानी को हमें ज़्यादा देर जो है खुलाना नहीं है, बस लाइट सा हमें जो है एक उबाल लाना है इसमें और जब ये पानी उबल जाए तो उसके बाद हमें इसको कप में डाल लेना है। देखिए गाइस पानी में उबाल आ चुका है और इतना ही हमें करना है बस, और फिर हमें गैस ऑफ कर देनी है अपनी। यहाँ पर कर दी हमने गैस ऑफ और अभी इसी पानी को हम डालेंगे इस कप के अंदर। देखिए इस कप के अंदर मैंने पानी डाल लिया है ये देखिए पानी डाल लिया मैंने इस कप में। और अब हम लेंगे ये वाला पैक और इसको हम निकालेंगे यहाँ से ऐसे करके, ये ऐसे हम निकालेंगे और फिर इसमें जो हमारा टी बैग है ये हम इसको ऐसे इस टी बैग को ऐसे करके इसमें पानी में डिप करेंगे, ऐसे ऐसे डिप करना है इसको। देखिए ये हमारा बेस्ट जो है हमारी ग्रीन टी बन रही है और देखिए कितना इजी है ना इसका तरीका बनाने का। और बस पानी हमें उबालना है और फिर उसके बाद एक ही कप लेना है और उसे उसमें डाल करके हम इसको ऐसे डिप करते रहेंगे। हम टी बैग है हमारा, इसको टी बैग को हम ऐसे डिप करते रहेंगे और देखिए ये बहुत ही यूज़फुल टी है, आप भी ज़रूर यूज़ करना जो इस प्रॉब्लम में जो है से गुजर रहे हैं, मोटापे से परेशान हैं, तो आपको इतना फ़ायदा होने वाला है ना, ये आप 1 वीक में इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और देखिए मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप बहुत जो है फैटी हो रही हो, तो मुझे मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब मुझे कोई इस तरह कहता है। तो फिर जो है मैं इसको यूज़ कर रही थी पहले से बट मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था, मैंने सोचा था पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ फिर मैं आपको जो है इसका रिज़ल्ट बताऊँगी यूज़ करने के बाद। तो अब मुझे यूज़ करने के बाद इसको काफ़ी जो है फ़ायदा मिला है तो मैंने सोचा चलिए
मैं आपसे शेयर कर देती हूँ और आपके भी काम आ जाएगी ये, जो लेडीज इस समस्या से परेशान है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है तैयार हो चुकी है मेरी ग्रीन टी, और देखना ये अब हम यहाँ पर रख देंगे। और देखिए यहाँ पर मेरी ग्रीन टी तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह कितनी अच्छी है और इसका फ्लेवर भी इतना बेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा। और देखिए यहाँ पर मेरी ग्रीन टी हो चुकी है रेडी। तो देखिए ग्रीन टी के ना बहुत फ़ायदे हैं, और ये ना हमारा वज़न जो है तेज़ी से कम करता है, और हमारी जो है स्किन में जो है एक ग्लोइंग पैदा करता है, स्किन को ग्लो बनाता है, और हमारी इम्यूनिटी जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इतने फ़ायदे हैं। और देखिए शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, और जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से परेशान है वो उनका कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल करता है। तो और हमारी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है, और हार्ट पेशेंट की जो हार्ट पेशेंट है उनको भी बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारी में ये ग्रीन टी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है। तो देखिए कितने फ़ायदे हो रहे हैं हमारी बॉडी को। तो ये अपनी डाइट में शामिल कीजिए और मोटापे की परेशानी से बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए, और एक परफेक्ट बॉडी आप जो है इससे बना सकते हैं अपनी पीने से। तो मैं तो इसको ले रही हूँ, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो मोटापे से परेशान है, और एकदम आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर आपसे अपनी नई नई और अमेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।